यहाँ पे जो रुकने की वजह बनी है वो है जी ब्लास्टिंग हो रही है यहाँ पे, वो सामने ऊपर हमारे ये मशीन काम कर रही है, ऊपर ब्लास्टिंग हो रही है कहीं पे, इधर ये ऊपर दूसरी मशीनें लगी हुई। कितनी देर यहाँ पे खड़ा होना पड़े ये अल्लाह ही जानता है। आश्ते की बहुत ज्यादा तलब हो रही है, बहरहाल कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतजार के। ये है जी अंडे भाई जान, अगर आपको इस ठंड में देसी मुर्ग की यखनी और साथ में इस तरह की बोटी मिल जाए तो आप कैसे खाएंगे? ये देसी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम करते हैं आज के व्लॉग में तमाम देखने वाले भाइयों को। इस टाइम रात की कोई 11:30 बजे का टाइम है, मैं अपने मोहल्ले से निकल रहा हूँ अभी फेरी मेडोज के लिए। यहाँ से निकलते I-8 जाएंगे तो वहाँ से होगा जी हमारा डिपार्चर। चलिए हमारी गाड़ी जो हमें लेकर जाएगी जी चिल्लास तक। इस टाइम हम I-8 इस्लामाबाद से निकल रहे हैं, बहुत लंबा सफर है और इधर इन बच्चों ने सत्यानाश की हुई है, तबाह खा लिए ना उन्होंने। निकलते हैं जी अपने सफर पे अल्लाह का नाम ले के। इस्लामाबाद से चलने के बाद अभी तक सफर ही सफर। 9:30 बजे का टाइम हो गया है, 1 बजे हम लोग इस्लामाबाद से निकले थे और तशरीफ का बुरा हाल हो गया है, मतलब आप गाड़ी में बैठने का भी दिल नहीं कर रहा। वो भाई दिखाएं कराची से ऑल द वे आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। भाई हिम्मत है इन लोगों की, ये कराची से बाय रोड, बाय रोड इनको इनाम दिया जाएगा टूर के आखिर पे। नहीं नहीं नहीं, अभी इनाम दिया जाएगा, अभी इनाम दिखाते हैं। नहीं नहीं भाई, ये अंडे वो तो यहाँ पे जो रुकने की वजह बनी है वो है जी ब्लास्टिंग हो रही है यहाँ पे, वो सामने ऊपर हमारे ये मशीन काम कर रही है, ऊपर ब्लास्टिंग हो रही है कहीं पे, इधर ये ऊपर दूसरी मशीनें लगी हुई। कितनी देर यहाँ पे खड़ा होना पड़े ये अल्लाह ही जानता है। आश्ते की बहुत ज्यादा तलब हो रही है, बहरहाल कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतजार के। ये है जी अंडे भाई जान, अगर आपको इस ठंड में देसी मुर्ग की यखनी और साथ में इस तरह की बोटी मिल जाए तो आप कैसे खाएंगे? ये देसी नहीं है। क्या बात है, सफर कर रहे हैं, भूख लगी है, मजा कर आ रहा है। बादशाह डैम के किनारे फाइनली हमारा इंतजार खत्म हो गया। 11:15 बजे के टाइम सुमर नाला में हम रुके नाश्ता करने के लिए, इससे पहले पहुंच जाना था, रोड बना रहे हैं रास्ते में तो वो ब्लास्टिंग हो रही है उस वजह से बहुत ज्यादा रोका जाता है। ग्रीन हिल्स इंटरनेशनल होटल पे रुके हैं नाश्ता करने के लिए। इंटरनेशनल होटल का नाश्ता कैसा ये करने के बाद ही पता लगेगा। इस रोड पे जितने भी होटल आते हैं उनमें सबसे बेहतरीन यही दिख रहा है मेरे। चलते हैं जाके नाश्ता करते हैं और फिर यहाँ से आगे का सफर शुरू करें चिल्लास के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुंच आए चिल्लास अपने होटल पे। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली कोई 13 से 14 घंटे का एक तावील सफर करने के बाद हम लोग पहुंच आए जी चिल्लास अपने होटल पे। वीडियो में मुझे भी ले आया कर यार, इतने ब्लॉग बनाता है कभी मुझे भी तू वीडियो में लाया। ये बंदा मेरा पार्टनर है,
और ये चैनल मेरा, में आपको ये मेरा नहीं, इस बंदे का चैनल है। इसको देखोगे आगे, मतलब जो पैसे आएंगे वो मेरे अकाउंट में आएंगे। पैसे आने तो दे, जो $5 आए हुए हैं पांच नहीं है, ज्यादा हो गए। ओके ओके, अभी चलते हैं जाके देखते हैं रूम। मैं रूम कौन सा मिला है, कौन सा मिला है? जो सबसे फर्क होता है वो ऑपरेटर को रूम दिया जाता है। नहीं, किधर है हमारा रूम? अभी वो तलाश ये जा रहा है, पता कोई नहीं आता, पता उसका कोई नहीं है। परल इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा यार। इस तरह टूर कंपनीज जो हैं उनके ऑपरेटरों के साथ अगर आप दोस्ती करके आओगे तो ये हाल होगा आपका। इसको सबसे वीआईपी कमरा दिया जाएगा आखिर पॉइंट। ये भाई है, ये भाई है टूर ऑपरेटर, ये मेरे दोस्त हैं और इनके साथ में आया हूँ, ये इज्जत दे रहे हैं। ले जी, रूम तो हमें मिल गया, अब जाके देखना पड़ेगा। यार ये इख्तलाफ पड़ गया, ये इमरान भाई और मोइन भाई। अच्छा मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। इमरान ये अच्छा है यार, एक दो तीन, तीन बेड लगे हुए इसमें, तो हम चार लोग हैं। यानी वेलकम कर भाई को यार। ये जी हमारा रूम, टूर ऑपरेटर को वेलकम किया जाता है। रूम आपको कैसा लगा यार? सर बहुत अच्छा, थोड़ी सी स्मेल सी आ रही है मुझे। थैंक यू मोइन का शुक्रिया अदा करते हैं। हमने 42 इंच की एलईडी लगवाई है। ये मेरे ख्याल से जब मैं पैदा हुआ था ना, का मैच देखेंगे, ठीक है? ये तब का मॉडल है। नहीं नहीं, 42 इंच लगवाई है स्पेशल आके। और ये है जी बॉस का बेड, इसमें किसी ने नहीं आना। और अब जो सबसे पहला काम है वो है जी नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद गपशप लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा कर ली, अब बाहर निकले हैं जी। इमरान भाई को लेके देनी है एसकॉम की सिम। यस, अब इस तरह के इलाकों में आते हैं तो एसकॉम मास्ट है भाई। मास्ट है, ऐसे ही है। मुझे भी एक ले दे यार। क्या करेगा सिम? मैं भी जाता हूँ नेटवर्क पे। ओके, यहाँ से लेनी है जी सिम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आपका? शुक्र। आपका सिम है? इसमें क्या कुछ होगा? उसमें 1 GB नेट है और 1000 मिनट 1000 SMS। बहरहाल जी सिम लेने के बाद ये बंदा हमें पिज्जा खिलाएगा। यार आप लोगों से अच्छा पिज्जा है। हाय हाय, वीडियो में जो बात हो रही है वो डन है। यार आप लोगों से अच्छा पिज्जा मुझे एक दो। नहीं नहीं, हमसे अच्छा किधर हो सकता है। सिम लेते हैं और फिर पिज्जा खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने के बाद हम अपने रूम में आ गए। अब एक सबसे ज़रूरी काम हमारा जो है वो अभी बकाया है, वो है जी नमाज अदा करना। और ये बंदा जो मुझे लग ऐसे रहा है कि गोली रहेगा नमाज में, लेकिन पढ़ेगा इंशाल्लाह। ये चाह रहा है कि ये पूरे व्लॉग में आए, फिर इसको नमाज पढ़नी पड़ेगी अगले व्लॉग के लिए। ऐसे ही है यार, पहले दिन की व्लॉग में तो लाएगा ना। यानी तू नमाज पढ़ेगा, इसके बाद यूट्यूब चैनल ही तेरा है, ठीक है? और एक और चीज़ यार, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका भाई ना अपना स्लीपिंग बैग साथ ले गया है भाई। ये कौन सा वाला है ये आप देख लें। रूम में हमें जो कंबल दिए गए थे भाई जान, वो पड़े हुए सामने सारे, हमने मोइन को अदिया कर दी। और मैं और इमरान भाई अपने अपने स्लीपिंग बैग ले रहे हैं। वो और ये जी जी, हाँ हाँ सॉरी, वो भी है यार। मैं इमरान भाई और वकास भाई अपने अपने स्लीपिंग बैग लेकर आए हैं। और ये जो छोटे मोटे हैं जिनको ट्रैकिंग का कोई पता ही नहीं है, वो चार कंबल वो से स्लीपिंग बैग मार दिए। बेहतरीन, क्या बात। बहरहाल जी अभी इसके बाद नमाज अदा करनी है, फिर जी आपसे इजाजत चाहेंगे, सुबह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। बिस्किट ये ले जानी,
रात मेरा स्लीपिंग बैग जो है ना कैसे नहीं इसलिए उधर से उठाए इधर चाय गिरे उधर ना इतनी मार ये पकड़ा यार।